जैसे कि आप जानते हैं कि जाट जागरण जो है जाटों के बारे में अलग अलग चीज़ें लेके आपके सामने पेश होते हैं, कभी हिस्ट्री, कभी जो है उनके गांव के बारे में, कभी उनकी राजनीतिक सत्ता के बारे में। आज हम कुछ मुहावरे लिख के हमारे भाइयों ने भेजे हैं कि जाटों की अच्छाई बुराइयों के ऊपर ये है। हालांकि कई जगह जो है हमें भी हंसी आती है, जिस भाई ने भेजा तो उसमें लिखा है कि कुछ बात है कि मिटती हस्ती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये सच बात है, जाट बहुत कम 1.5% या 2% होते हुए भी हमेशा वर्चस्व और हर चीज़ में आगे रहे, दान में भी हर चीज़ में भी। तो उन भाई ने लिखा है, हमारे भाई ने, कुछ कुछ लड़कियां कहती हैं कि जाटों के लड़के पसंद नहीं। तो उसने क्या लिखा है इसके बारे में, शेरों के साथ शेरनियां रहती हैं, बकरी और बंदरियां नहीं। अर्थात उस भाई ने कहा है कि जो लड़कियां जाटों को कहती हैं कि हमें पसंद नहीं या उनकी भाषा किसी वजह से, तो शेर के साथ तो शेरनी है। उसने आगे लिखा है, हम बादशाहों के बादशाह हैं इसलिए गुलामों की तरह हरकत नहीं करते, हम जहां भी वर्चस्व में रहते हैं, जिस भी हाल में रहते हैं। वो आगे लिखते हैं कि फोटो जो हमारी नोटों पे इसलिए लगती क्योंकि हम जेब में रहने की हमारी फितरत नहीं है, बिकने वाले और भी हैं जाकर खरीद ले, जाट कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। मतलब आपका भाई कोई जाट दोस्त है तो किस्मत से मिलता है, क्योंकि जाट हमेशा आपकी अच्छाइयां और बुराइयां बता देता है और आपका हर हाल में साथ देता है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। एक बंदा पूछता है कि भाई जाटों की जनसंख्या भारत में कम है, तो उस भाई ने उत्तर दिया, जाट भाई ने, कि प्रकृति का नियम है, यदि शेरों को बढ़ा दिया जाएगा तो और प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। और भी कई चीजें भाई ने लिख के भेजा, जैसे कि जाटों को डुबोने के लिए 3 चीज हैं, दारू, दोगले और दगा। जाटों के लिए 3 चीज जरूरी है, संस्कार, मेहनत, भाईचारा। अब यदि आप जाट कौन पा के बचाना चाहते हैं तो जाटों के 3 प्रिय हैं, न्याय, नमन और आदर। जाट जो है अप्रिय 3 चीजें, अपमान, विश्वासघात और अनादर। जाट को महान बनाने वाली भी 3 चीजें जो उनके ब्लड लाइन DNA में हुए, शरणागत, दयालुता और परोपकार। जाटों के लिए 3 चीज जरूरी है। अब यदि आपको सरवाइव करना है जाट भाइयों, ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपके लिए, एकता, संस्कार और धर्म पालन, अपना धर्म मतलब जाट का पालन। इन नेताओं के कहने में आकर ना लड़े आपस में, ये जो आप जो किसी भी लड़वा के मरवाते और काम कराते हैं। अब उस भाई ने जनसंख्या भी लिख के भेजी है, वो मैं बता रहा हूं आपको। जम्मू कश्मीर में लगभग 4 लाख के करीब है, पंजाब में 90 लाख, हरियाणा में 90 लाख, राजस्थान में 78 लाख, गुजरात में 40 लाख, महाराष्ट्र में भी लगभग 40 लाख के आसपास बताई गई है, गोवा में 5 लाख, कर्नाटका में 1.5 या 2 लाख, केरल में भी लगभग 5 या 6 लाख बता रहे हैं। इसके ऊपर सर्वे चल रहे हैं, ये भाई ने लिख के भेजी है। अब हमने RTI लगाई है गवर्नमेंट से, तो एक्यूरेट डाटा आता है नहीं आता देखते हैं। तमिलनाडु में भी 4 लाख के करीब है, आंध्रा में 10 लाख के करीब है, छत्तीसगढ़ में 8 लाख है, उड़ीसा में 4.5 लाख है, झारखंड में 8 लाख है, बिहार में 9 लाख जनसंख्या बताई जाती है, पश्चिम बंगाल में 18 लाख, मध्य प्रदेश में 20 लाख, उत्तर प्रदेश में 80 लाख से करोड़ के आसपास है, उत्तराखंड में 5 लाख है, हिमाचल में 4 लाख है, सिक्किम में 1 लाख है, असम में 10 लाख के करीब बताई जा रही है, मिजोरम में 1.5 लाख, अरुणाचल में 1 लाख, नागालैंड में 2 लाख, मणिपुर में लगभग 70,000, मेघालय में 1.5 या 2 लाख, त्रिपुरा में 1 लाख। सबसे ज़्यादा जहाँ जाट है एज मेजोरिटी कम्पेटिव, कोई हरियाणा कहता है, कोई पंजाब कहता है, लेकिन मेरा अंदाजा जो है राजस्थान में लगभग 1 करोड़ काउंटिंग वाइज और UP में भी लगभग 1 करोड़ के आसपास ही होगी जहां तक हमें लगता है।
राजनीति में जो वर्चस्व में रहे हैं ये हरियाणा और पंजाब में रहे हैं, सेकंड लीड में राजस्थान में रहे हैं, और जो है सबसे आर्थिक अच्छी स्थिति यही हमारी ज्यादातर पंजाब और हरियाणा की बताई जाती है, सबसे सरपंच राजस्थान में। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि कृपया किसी भी प्रकार को, कोई भी जाट का फंक्शन हो, कोई भी जाट किसी भाई ने कुछ अचीव किया हो, जैसे कि हम बता रहे हैं कि हम एक गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बना रहे हैं, डायरेक्टरी बना रहे हैं, जिस भी भाई का नाम रह गया तो लिख के अवश्य भेजें। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद भाई।